हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि अप्रैल 2024 वर्गो सोल ट्राइब के लिए जनरली, ओवरऑल, कलेक्टिवली और हर एक एस्पेक्ट में कैसा रहने वाला है। सो वर्गो सोल ट्राइब, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग है 2024 में। अप्रैल में आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, इमोशनल एस्पेक्ट में, करियर में, स्टडीज में, जितना भी मैं देख पाऊंगी कार्ड के थ्रू, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। मीन वाइल, जब तक मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही हूँ, आप रीडिंग को पॉज करके या फिर ड्यूरिंग शफलिंग ही भगवान से कोई खास चीज़ है अगर, तो उसको प्रे कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं और भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। जो भी आपको चाहिए है कि वो भगवान ने आपको जैसे कि दे दिया है। ओके, इसको लेंगे। सो ये आपके आई थिंक 8 कार्ड्स हो गए हैं। और अगर हमें लगेगा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, कहीं हम स्टक होंगे, समझ नहीं आएगा, तो हम और कार्ड्स भी ले लेंगे चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि चीज़ें हमारी समझ में आनी बहुत ज़रूरी हैं। और गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, सो ये हो गई हैं आप लोगों की गाइडेंसेस, और कुछ कार्ड्स लेंगे मून से और एंजल से। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स अपने आप गिर गए हैं गाइस। अब दिस इज द हाई टाइम कि मुझे उन्हें लेना चाहिए। ओके, एक सेकेंड गाइस। कार्ड देख लीजिए आप, कितना अच्छा कार्ड आया है। सिचुएशन विल इंप्रूव। एंड फर्दर मैं शफलिंग कर रही हूँ मून्स के कार्ड की, क्योंकि हम इमोशनल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि इमोशंस में हमारे लिए बहुत बार गाइडेंस होती है, बहुत बार कोई ब्लेसिंग होती है, बहुत बार मून हमें कोई सोल्यूशन देते हैं, लेकिन वो मोस्टली इमोशनल एस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है गाइस, सो ये हो गए हैं आपके कार्ड्स। कार्ड्स मैं साइड पे रख लेती हूँ और आपको मेन वाले कार्ड्स दिखाने शुरू करती हूँ। इनको यहाँ रख लेंगे और कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। द हमीट, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द व्हील आया है, और वर्गो सोल ट्राइब, आपको पता है मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। अभी मैंने सिर्फ 3 कार्ड्स देखे हैं, चौथा देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थोड़ा सा हैवी एस्पेक्ट है इस रीडिंग में, जो कि 3 या 4 कार्ड से ही मुझे समझ में आ गया था। और आई डोंट नो व्हाई मैं इतना लो क्यों फील कर रही हूँ, अचानक से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो ये आपकी कलेक्टिव फीलिंग है वर्गो सोल ट्राइब, जो मैं अभी फ़िलहाल फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ये फीलिंग्स तो नहीं है। 2 मिनट पहले मैं तो अच्छे से बातें कर रही थी, पूरा अच्छा मेरा मोरल था, मैं तो खुश थी। तो कहीं ना कहीं इन कार्ड्स के थ्रू एज अ मीडियम मैंने आपकी कलेक्टिव फीलिंग्स को टच किया है अभी अभी, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस, आप कहाँ पे स्टक हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं काफ़ी ना शिवर कर रही हूँ अभी ना, मुझे आवाज़ भी मेरी कांप रही है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इस रीडिंग को ना रोक दूँ, पोज लूँ थोड़ा सा। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, विलिंगली नहीं करूँगी। रीडिंग में पोज मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में आके रीडिंग में पोज देना पड़ता है, बट विलिंगली मैं कभी नहीं लेती हूँ, तो मैं भी नहीं लूँगी। बट आई कैन फील फॉर यू, मुझे हमदर्दी है आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ, कि आप बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है दी हमीट की एनर्जी का।
तो ये कार्ड ऐसा होता है, और ये ना मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि कोई बड़ी घटना हुई है, रोजमर्रा की कोई चीज़ नहीं है। और इस तरह की घटनाएं रोज होती भी नहीं है, मतलब रोज हमें थोड़ा बहुत इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उस थोड़े बहुत में ना ये कार्ड्स नहीं आते हैं। ये कार्ड्स आने के लिए हैं बड़े लेवल का डिसअपॉइंटमेंट जब हमें होता है ना, तो ये बड़े लेवल का डिसअपॉइंटमेंट जो लाइफ में हर रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। हो सकता है गाइस जब आप इस रीडिंग को देखें तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में कि आप बहुत बड़े लेवल वाला जो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसमें रहे हों, या हाल फिलहाल उसमें से बाहर निकल रहे हों, या इस रीडिंग के आसपास जब आप इसको देखें उस टाइम पे आपको थोड़ा मोरल बूस्ट हो कि हाँ मुझे इसमें से निकलना चाहिए, इनफ इज इनफ। ये कार्ड होता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का, हताशा का, उदासी। एक इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बैठ के जब सवालों के जवाब ढूंढता है, और बाहर की दुनिया से, आसपास की दुनिया से, अपने रिश्तों से, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं ऊब जाता है, ठीक है, थक जाता है इज नॉट द राइट वर्ड, ऊब जाता है, मतलब बहुत गहराई में डूब के लाइफ को जब हम देखते हैं और बहुत थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, लोगों की रियलिटीज़ को देख लेते हैं, लाइफ की रियलिटी को देख लेते हैं, इवन अपनी रियलिटी को भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी आती है। तो हाल फिलहाल आपकी ये एनर्जी है, और अगर आप 40% भी अब तक मेरे साथ, या 50% 40% भी रेजोनेट कर पाए हैं तो आप कंटिन्यू करिएगा। अगर अब तक नहीं कर पाए हैं तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। गाइज इस तरह की आपकी हाल फिलहाल वाली एनर्जी है, और 4-6 महीने का ये एस्पेक्ट मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 यानी कि 2023 के लास्ट क्वार्टर, लास्ट के 3 मंथ्स में ऐसा रहा हो। हो सकता है आपका 2024 इस टोन पे ही शुरू हुआ हो, साल बदला हो, महीना बदला हो, लेकिन आपके मन के अंदर उदासी और निराशा ही रही हो, ठीक है, आपके अंदर कुछ भी ना बदला हो। और एक जिसे कहते हैं ना कि दिन काटने वाली बात, कि दिन काट रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ को ना, आप बस काट रहे हैं किसी तरीके से, तो ये आपका एनर्जी का एस्पेक्ट है। और यहाँ पे एक ये कार्ड भी आया है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके ना एनर्जी के रिगार्डिंग, सॉरी आपके इमोशंस के रिगार्डिंग है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये आपका जॉब नहीं है, ये आपका करियर नहीं है, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये आपका आया है कप्स की एनर्जी में आया है। कप्स हमेशा ही इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 ऑफ कप्स का क्या मतलब है? तो 5 ऑफ कप्स में क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, ये हरमीट और ये, इनका टोन एक ही होता है। हरमीट में है कि कोई मेजर घटना हुई है, कोई बड़ी घटना हुई है, कुछ कुछ बड़ा हुआ है लाइफ में ना, कुछ बड़ा सेटबैक आता है ना, एक बड़ा सेटबैक जिसको आप झेल नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, बिखरने की कगार पे आ जाते हैं, तो ऐसा कोई सेटबैक हुआ है रिसेंटली आप लोगों के साथ। वो सेटबैक कहीं भी हो सकता है, बट उसने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इमोशनली आपको हर्ट किया है, और फिलहाल आपका एनर्जी, आपका ओरा और आपका लाइफ का जो एटीट्यूड है इटसेल्फ, वो ऐसा हुआ हुआ है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, और मुझे चीज़ों के जवाब अंदर से ही ढूंढने हैं। और कहीं ना कहीं एक इंसान जो बेकाबू हो जाता है लाइफ की बिगर पिक्चर को जानने के लिए, लाइफ के जो बिटर ट्रुथ्स हैं उनको जानने के लिए, इसको अगर मैं कहूँ तो एक इनर जर्नी शुरू हुई है आप लोगों की, तो उस हिसाब से ये कार्ड बहुत नेगेटिव मुझे नहीं लगता है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना नजरिया है, किसी इंसान के लिए लाइफ ठीक है एक मस्ती करने वाली चीज़ हो सकती है कि आप फन करें, एंजॉय करें, और किसी इंसान के लिए चीज़ों को डीपर एस्पेक्ट में जानने के लिए हो सकती है। तो मुझे ये कार्ड बहुत नेगेटिव नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली लोग इसको नेगेटिव में ही मानते हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव कार्ड है मेरे ख्याल से वो ये है, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान ने ना एक नज़रिया ऐसा बना लिया है लाइफ के प्रति अब, कि जो है उसको भी नहीं देखना है, मुंह मुंह मोड़ के खड़ा हो जाना, मुंह मोड़ के चले जाना। तो आपने कहीं ना कहीं अभी अपनी लाइफ से, खुद से, इवन खुद से, अपने रिश्तों से, अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स से, अपने लव्ड वंस से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने बेस्ट फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, वर्क प्लेस पे कुलीग्स जो हैं, मतलब जितना भी ह्यूमन इंटरेक्शन पॉसिबल है वो आपने अभी कट किया हुआ है, ठीक है, मैं यही वर्ड बोलूंगी, आपने ना कट किया हुआ है, आपने ना अपनी टाइज सबके साथ खत्म की हुई है, ठीक है, बिल्कुल ही अकेले रहना चाहते हैं आप, चॉइस से, विलिंगफुली, विलफुली, कहीं ना कहीं विलिंगली अकेला रहना चाहते हैं, और ठीक है चॉइस इज योर्स, बट इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि ये आपका ना नेगेटिव होने के बाद आया है,
पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिविटी में आके आप अकेला होना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे आप नेगेटिव हो गए हैं इसलिए अकेला होना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ ये दो कार्ड ही नेगेटिव हैं, लेकिन इन दो कार्ड से ही बहुत बार रीडिंग में ना चार छः सात कार्ड नेगेटिव आ जाते हैं, तो भी इतना टोन डाउन नहीं होता जितना आपकी एनर्जी को ना मैंने डायरेक्ट रिस्पोंड कर दिया। और क्या करेगा इस टैरो की रीडिंग में यही होता है। टैरो की रीडिंग चाहे मैं पर्सनल करूँ किसी के साथ, चाहे मैं आप लोगों के लिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो मैं ना सामने वाले के इमोशंस को रिस्पोंड करती हूँ, फील करती हूँ, उसकी उदासी को, उसकी निराशा को, उसकी हताशा को, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को। इसीलिए टैरो की रीडिंग करना ना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। एक आसान चॉइस नहीं होती है, एक ऐसा नहीं है कि ये एज अ प्रोफेशन हम करना चाहते हैं या प्रोफेशन के वाइज हमने किया है। प्रोफेशनली तो मैं डॉक्टर हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक है और मेरे अपने पेशेंट्स हैं, वहाँ से टाइम निकाल के मुझे टैरो की रीडिंग बनानी पड़ती है, वहाँ से टाइम निकाल के मुझे टैरो की रीडिंग पर्सनल उसका स्लॉट देना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन से मिली है कि मुझे अब ये काम करना है। सो देयर इज नो चॉइस इन दिस, नहीं तो चॉइस से कौन करेगा ऐसा काम। इंसान अपने इमोशंस के साथ डील नहीं करना चाहता, अपने इमोशंस से भागता है, और कहाँ मुझे जनरली और कलेक्टिवली भी इमोशंस पकड़ने पड़ते हैं, और उसका टोल बहुत बार मेरी हेल्थ पे भी आता है। हालांकि मैं हर रीडिंग हर चीज़ शुरू करती हूँ माता रानी के पैरों को हाथ लगा के कि मुझे सिर्फ एक मीडियम बना के रखना और चीज़ें मेरे ऊपर हावी ना हो जाएं। और बहुत हद तक 99.9 माता रानी मेरी पूरी अच्छे से रक्षा करती हैं इन चीज़ों से, और बैड एनर्जीज़ का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं होता था, और अब तो मैं बीच में से बिल्कुल हट गई हूँ, नहीं होता है, बट फॉर टाइम बींग मैं उनको फील करती हूँ, और वो तो मैं हमेशा ही करूँगी, एज अ चैनल मेरा काम ही ये है। और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आप लोगों के लिए ना खुशखबरी ये है, अब देखना मेरा टोन कैसे अप हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड हमने पढ़ दिए, अब हम इनको पढ़ेंगे नहीं, अब देखना मैं कैसे बोलूंगी, कैसा फटाफट बोलूंगी, है ना, कितनी खुशी से आवाज निकल रही है मेरी। तो यहाँ पे ना गुड न्यूज ये है कि ये जो आपने जो सहन किया है ना सब कुछ, चॉइस से, विलिंगनेस से, किसी मजबूरी में, चाहे जैसे मर्जी, ये ऐसे ही होना था, क्योंकि यहाँ पे ना एक समय का चक्र था आप लोगों के लाइफ में, ये समय का चक्र आप लोगों ने पूरा किया है। इसको यहाँ पे बोला है व्हील, और वैसे इसका नाम होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सौभाग्य का चक्र अब भगवान ने आपके लिए घुमाया है, क्योंकि जो भी कर्मों का, बुरे कर्मों का जो भी पनिशमेंट थी, बुरे कर्मों की जो भी सजा थी, बुरे कर्मों का जो भी लेन देन था, वो यहाँ पे निपट गया है, ठीक है। स्लेट कोरी हो गई है, क्लोजिंग हो गई है, अप्रैल आ गया है, आप समझते हैं ना, क्लोजिंग हो गई है, वो डील्स क्लोज हो गई हैं, ठीक है। और ऑडिट हो गया है, पुराना खत्म कर दिया गया है, नया भाई खाता शुरू हो गया है। तो आपके केस में वर्गो सोल ट्राइब, अब तक हमने जितनी भी रीडिंग की है अप्रैल की, आई थिंक ये 8th या 9th रीडिंग है, अब तक ये व्हील किसी के लिए नहीं आया, सबके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग आया है, बट आप लोगों ने पूरा किया है यहाँ पे कार्मिक साइकिल। तो आप लोगों को अब ना इन सब चीजों के परिणाम स्वरूप, इन सब चीजों के जो आपने ना दुख सहे हैं, कष्ट सहे हैं, उसके रिवॉर्ड के रूप में कह लें, इनाम के रूप में कह लें, कहीं ना कहीं डिवाइन घुमा रहे हैं आपके लिए सौभाग्य का चक्र। तो अप्रैल में देखिएगा गाइड, चीजें किस तरह से ड्रामेटिक मोड लेंगी, ड्रामेटिक वे में ठीक हो जाएंगी, ड्रामेटिक वे में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो यहाँ पे क्या है, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, और यहाँ पे इतने इतने पॉजिटिव कार्ड उसके बाद हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, इस इंसान की एनर्जी देखिए, ये आप ही थे 1-2 महीने पहले, ठीक है, और अप्रैल में इस इंसान की एनर्जी देखिए, और ये आप ही थे। तो मुझे बताइए, क्या आप अपनी एनर्जी को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भगवान ही कर सकते हैं, उन्होंने ही ये सौभाग्य का चक्र घुमाया है। और कहीं ना कहीं एक इंसान जो सब रिश्तों से टूट के बैठा हुआ था, सबसे रूठ के बैठा हुआ था, इसकी एनर्जी में इतना अच्छा उछाल है, बाउंस बैक करेंगे आप चीजों में, बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि जब भी हम डिप्रेस होते 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 बिल्कुल धरातल पे बैठ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती कहीं और जाने की, उसके बाद विद टाइम हम बाउंस बैक ही करते हैं। सो यहाँ पे अप्रैल में सोल ट्राइब करेगा बाउंस बैक, और यहाँ पे करियर में आप एकदम से फोकस देंगे अपना, जैसे आपका एनर्जी फील ठीक होगा, ऑरा ठीक होगा, तो आप अपना फोकस ना
करियर में देंगे, ऐसा मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे, कि बहुत ही पैशनेट वे में काम करेंगे, बहुत ही फोकस्ड वे में काम करेंगे, कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैंने काफ़ी सारा टाइम ना वेस्ट कर दिया है, 4-6 महीने लाइफ के मैंने कहीं ना कहीं गंवा दिए हैं, तो मुझे उनकी भी भरपाई करनी है। सो इस तरह से पास्ट में जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं आप, उसको भी साथ में आ जाएंगे सबके, और उसकी भी भरपाई करेंगे नए आइडियाज़ पर काम करना। और आप लोग ना मुझे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं आजकल अवेलेबल हैं, तो आप अपने स्किल को डेवलप करते हुए और कोई कोर्सेज ऑनलाइन करते हुए भी मुझे अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स भी एक बहुत प्यारा कार्ड होता है, और ये वॉन्ड्स है, ये वॉन्ड्स है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, देख रहे हैं आप? आप लोग स्मार्ट हैं, टैरो की रीडिंग देखते हैं, कार्ड्स पढ़ना आपको आ गया है बड़े अच्छे से। वॉन्ड्स किस लिए होते हैं? करियर के कार्ड्स होते हैं, फायर के कार्ड होते हैं, पैशन के कार्ड होते हैं। तो अगर अगर मैं इस कार्ड को ही आपके लव के एस्पेक्ट में पढ़ूं, पेज ऑफ वॉन्ड्स को, तो एक ऐसा इंसान बनते हुए अप्रैल में मैं आपको देख रही हूँ, जो पुरानी चीज़ों को लेट गो करेगा, मूव ऑन करेगा, फॉरगिव करेगा, फॉरगिव करके आगे बढ़ेगा, और अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे ही लाइक माइंडेड इंसान को अट्रैक्ट करेगा जैसा वो खुद है। तो किसी नए इंसान के आने की दस्तक भी हो सकती है, और पुराने ही रिलेशनशिप जिसमें आप ऐसे होके बैठ गए थे, पुराने ही रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस हैं, कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बनेंगे, रीयूनियन के चांसेस बनेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक चॉइस बनाएंगे अप्रैल के मंथ में, 100% डेफिनेटली बनाएंगे कि मुझे दो में से अब एक चीज़ चुन लेनी है। आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप चॉइस बनाएंगे कि दिस इज़ मी और मुझे इसके साथ रहना है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे आप चॉइस बनाएंगे, आप में से कोई भी है वो चॉइस बनाएंगे कि मुझे अब इसके साथ रहना है, लाइक मुझे अपने स्पाउस के साथ रहना है और थर्ड पार्टी को बीच में से हटाना है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ना फर्म डिसीजन लेते हुए, फर्म बाउंड्रीज बनाते हुए, अगर आप एक ऐसी वाइफ हैं जो आपके हस्बैंड के केस में ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आप बाउंड्रीज बनाएंगे कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब नहीं, ठीक है? और हस्बैंड आपकी बात मानेंगे, उनको माननी पड़ेगी। अगर आप हस्बैंड हैं और किसी वजह से किसी ऐसे रिलेशन में हैं कि दो लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको अब एक चॉइस बनानी पड़ेगी, और आप बनाएंगे, और आप एक इंटेलिजेंट चॉइस बनाएंगे कि मेरा, मेरी फैमिली है, मेरी एक कमिटमेंट है, और मुझे अब इसके साथ ही रहना है, ऐसे ही रहना है, दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई हाउस, ठीक है? और जिसका जो है उसको वो बराबर से आप देंगे यहाँ पे। सो एक ऐसी चॉइस जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए थे, आप दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो सकते हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, या कमिटमेंट दी हुई है तो शादी करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा, तो कमिटमेंट आप देंगे, आप चॉइस करेंगे इसमें कि हाँ मैंने लटका के नहीं रखना, या तो मैं साफ साफ हाँ करूंगा या मैं साफ साफ ना करूंगा। तो अगर शादी का कमिटमेंट है तो फुलफिल होगा, करेंगे आप। अगर आपने किसी को कमिटमेंट देनी है तो दे पाएंगे, मना करना है तो मना कर पाएंगे, किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस देना है तो देंगे, और नहीं देना है, निकाल के बाहर करना है तो वो भी करेंगे। दो चॉइसेस, हार्ड चॉइसेस जो होती है ना, बहुत मुश्किल होता है चूज करना, तो उसमें से आप अब एक को चूज करेंगे, ये आपने मन बना लिया है। और यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे कार्ड हैं, तीन, समझ नहीं आ रहा कि किसको पढ़ूं पहले। इसको पढ़ लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, अब किंग ही आ गया है, वॉन्ड्स का किंग आ गया है, तो आप ना करियर में कुछ ऐसा करेंगे अप्रैल में, या ऐसा कुछ होगा या आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि यू विल फील लाइक अ किंग, आप बिल्कुल किंग की तरह से, एक शेर की तरह से, जंगल का राजा जैसे शेर होता है, एक राजा की तरह से फील करेंगे, आपके एटीट्यूड में वो बात होगी, आप पैशनेटली काम करेंगे, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका एनर्जी फील्ड, आपका ऑरा बदल जाएगा, ठीक है? और आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी रहनुमा बनेंगे, ऐसा नहीं कि खुद ही कुछ करेंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे कुछ इस तरह से, आप कुछ कुछ तो ऐसा करेंगे अप्रैल के मंथ में कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बहुत बहुत बातें होंगी, आपकी बहुत बहुत चर्चा होगी, लोग आपसे सीख लेंगे, ठीक है? लोग आपसे क्या बोलते हैं, मोटिवेटेड फील करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर्ड फील करेंगे, लोग आपसे सलाह ले सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे कर सकते हो, करते हो, हमें भी बताइए, ठीक है? इस तरह का लोगों को मोटिवेट करते हुए मैं यहाँ पे आपको अप्रैल के मंथ में बहुत देख रही हूँ। हो सकता है आप किसी मीटिंग में इस तरह से प्रेजेंटेशन दें कि लोग आपसे बहुत बहुत इंस्पायर्ड हो जाएं, बहुत बहुत मोटिवेट हो जाएं। और यहाँ पे ना ये कार्ड है, ये कार्ड तो मतलब रियल डील है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो वॉन्ड्स के कार्ड मेरे सारे ही फेवरेट हैं। वॉन्ड्स में शायद ही दो तीन कार्ड हैं जो ऑलरेडी इतने नेगेटिव हैं कि उनको फेवरेट कैसे कह सकते हैं। नहीं तो वॉन्ड्स के सारे ही कार्ड बहुत प्यारे हैं और लाइफ में ना कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए हमें बहुत बहुत प्रेरणा देते हैं। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी ना, सिक्स नंबर वैसे ही स्टेबिलिटी का नंबर है, लाइक फोर नंबर सिक्स नंबर, क्योंकि ये इनको बराबर बराबर बांटा जा सकता है। ठीक है, फोर टू और टू दो में बांट सकते हो, सिक्स थ्री एंड थ्री दो में बांट सकते हो, तो स्टेबल करता है कहीं ना कहीं। तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, वो थ्रू करियर भी आ सकती है। बहुत बार स्टेबल और आप सेटल डाउन फील करते हैं करियर के थ्रू, जॉब के थ्रू एक करियर आपका स्टेबल हो जाए। बहुत बार आप चाहते हैं करियर स्टेबल हो गया है तो अब हमारी शादी हो जाए, हम लाइफ में सेटल डाउन हो जाएं, तो उस तरह का बहुत सारा सेटलिंग डाउन का भी है, स्टेबिलिटी का भी है, और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आप पे भरोसा करेंगे, हो सकता है काम पे, हो सकता है आपका स्पाउस, हो सकता है आपका पार्टनर, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर आप पे बहुत बहुत डिपेंडेंट भी रहेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और लाइफ के किसी एक फील्ड में, तो गाइज किसी भी एक फील्ड में ना आपके लिए तालियां बजेंगी अप्रैल के मंथ में। मुझे नहीं पता किस फील्ड में बजेंगी, हो सकता है घर के लोग किसी वजह से आपकी बहुत तारीफ करें, हो सकता है आपका पार्टनर आपकी बहुत तारीफ करे, हो सकता है आपका बॉस तारीफ करे आपकी, हो सकता है कोई फ्रेंड आके आपकी तारीफ करे, हो सकता है आसपास मोहल्ले वाले कोई तारीफ करे। ये बहुत रेयर चीज़ होती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन कोई आपकी तारीफ करे ये बहुत रेयर चीज़ है, और खासकर ऐसे लोग जो आपको जानते हो। आपकी तारीफ ना आपके जानने वाले लोग करेंगे, आपके जानकार, ठीक है, वही लोग जो आपकी टांग खींचते थे, वही लोग जो कहीं ना कहीं आपको बढ़ने नहीं देते थे, आपसे जेलसी फील करते थे, आपके बारे में अफवाहें उड़ाते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग कोलीग्स भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे टीम मेंबर भी हो सकते हैं, टीम हेड हो सकता है जो आपकी तारीफ करे। कहीं ना कहीं लाइफ की स्टेज पे मैं आपको देख रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे, छोटी हो सकती है स्टेज, बड़ी हो सकती है, बट आपके लिए क्लैपिंग एक बार जरूर होगी, दो शब्द अप्रिसिएशन के, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन आपको दिए जाएंगे, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे, सजेशन के लिए आएंगे, कुछ तो आप अप्रैल के मंथ में गाइस वर्गो सोल ट्राइव ऐसा करने वाले हैं। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना शहनाई की गूंज है, बाजे गाजे के साथ, जैसे शादी होती है ना, शादी है, एंगेजमेंट है, रोका है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि जो कमिटमेंट देने से आप डरते थे, कौन से कार्ड में बोला था मैंने, जो कमिटमेंट देने से आप डरते थे, तो वो आप मन बनाएंगे कि नहीं यार अब टाइम पास ज़्यादा किया नहीं जा सकता, दूसरे को स्टैंड बाई पे ना बहुत लंबा टाइम रखा नहीं जा सकता और रखना भी नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे कोशिश की है और बहुत अच्छा रंग लाया है। घर वालों की मर्जी से आपकी शादियाँ, एंगेजमेंट रोके, कोई भी फैमिली फंक्शन हो सकता है, वो सब घर वालों की मर्जी से, राजी खुशी सब, चाहे लव मैरिज भी है तो भी घर वालों की मर्जी से होगी ये शादी, और कोई सेलिब्रेशन है, हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन हो सकता है, सक्सेस पार्टी हो सकती है। लाइफ के कितने कितने एस्पेक्ट हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कहाँ पे हैं, क्या काम करते हैं, क्या चीज़ डिजर्व करते हैं, जो आप बहुत टाइम से डिजर्व करते हैं ना, क्लैपिंग, अप्रिसिएशन, अप्लॉड, वो सब मिलेगा आपको अप्रैल के मंथ में, कहीं से भी मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। और ये प्यारा सा कार्ड है, ये भी देखिए आपकी रीडिंग में ना इमोशनल टोन भी साथ साथ आया है और काम का टोन भी, दोनों में से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी हेल्थ पे टोल लेने लगी थी ये चीज़ें, आप इससे बाहर आए हैं, भगवान ने आपको इससे बाहर निकाला है, नेगेटिव एस्पेक्ट है तो सब आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ये भी टीम वर्क का नंबर होता है कि टीम कैसे काम करती है, घर भी एक टीम है, परिवार भी एक टीम है, तो फैमिली में भी वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है और आपके पार्टनर भी दे सकते हैं, आपके बच्चे आपकी तारीफ कर सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत प्रेशियस हैं, सुनने में बहुत लग रही है कि छोटी छोटी, जब कोई भाई तारीफ करता है ना हमें कितना अच्छा लगता है, और कहाँ लोग तारीफ करते हैं, फैमिली मेंबर कहाँ तारीफ करते हैं, गाइस मुझे बताना जरा, मेरे तो नहीं करते मेरी तारीफ हाँ, और पार्टनर कहाँ तारीफ करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी है। मैंने बोला है ना जॉब कर लेना, पैसा कमा लेना इजी है, अपने लव्ड वन से अपनी तारीफ सुनना बहुत मुश्किल है, तो ये आपको सुनने को मिलेगा। वर्क प्लेस पे आपको लोगों का ना सहयोग मिलेगा, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन का कार्ड। सो चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे पार्टनर है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनमें ना कोई झगड़े झमेले थे और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जो थोड़ा सा ना जैसे होता ना कि साथ साथ रह तो रहे हैं हस्बैंड वाइफ लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, मन में मैल था एक दूसरे के प्रति, ग्रजेज रखी हुई थी, वो दूर होगा। और कुछ लोग तो लिटरली अलग अलग रह रहे थे, जैसे गुस्सा होकर वाइफ बच्चों को लेकर चली जाती है तो इस तरह से रह रहे थे, तो वही बच्चे बाप के पास वापस आएंगे, ठीक है, वही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कंप्लीट फैमिली का यहाँ पे सिनेरियो होगा। वर्क प्लेस पे भी आपको कंप्लीट सेटिस्फाइड और कोऑपरेशन होगा, कोऑपरेट करेंगे लोग आपके साथ ना, तो इस तरह का एस्पेक्ट आपके आसपास है। और देखिए ना
जब रीडिंग शुरू हुई थी तो कितना नेगेटिव माहौल एकदम से हो गया था, लेकिन सब बाद में ठीक हो गया है और दो ही कार्ड नेगेटिव थे और इतना टोन लेवल डाउन हुआ मेरा, आई डोंट नो वाई, कभी कभी तो ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और यहाँ पे ना हम पढ़ेंगे गाइडेंसेज आप लोगों के लिए। आई थिंक मैंने 8 कार्ड्स के साथ अच्छे से क्या बोलते हैं उस चीज़ को, अभी वर्ड भी याद नहीं आ रहा है मुझे, कि मैंने इनके साथ अच्छे से इंसाफ किया है ना, सबको बराबर बराबर टाइम दिया है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो गाइस आप लोगों के अराउंड ना बहुत सारी पॉलिटिक्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, शेयरिंग है। और अरे 5 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, अवेयरनेस है और हार्मनी है और रिसेप्टिविटी है, ठीक है। सो लाइफ में ना बहुत बार जब हम इस तरह से नेगेटिव हुए होते हैं, अब इन दोनों कार्ड्स को देखिए कितना नेगेटिव एस्पेक्ट है, दोनों का टोन भी एक जैसा है, ठीक है, ग्रे एंड ब्लैक। तो बहुत बार ना हमें चीज़ें हमारी लाइफ में ना बहुत धीरे से होती हैं, कोई हेल्प मिलनी होती है, कोई सजेशन मिलना होता है, कहीं से किसी तरह का कोऑपरेशन मिलना होता है, तो उसके लिए ना हमें भी रिसेप्टिव रहना पड़ता है। अगर हम इस मोड में रहेंगे तो भगवान भी सामने साक्षात आके हमें कोई चीज़ दे तो हम रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। रिसेप्टिबल होना है आपको, तो अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाना है, एक बात ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा, आपने अपनी अवेयरनेस को भी बढ़ाना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से फैसले लेने हैं, चीज़ें ऐसे ही नहीं कर लेनी जैसे पहले की थी, बहुत बहुत अवेयरनेस के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स के कार्ड के साथ आया है अवेयरनेस, यानी कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि देखिए ना, जैसे सांप होता है, सांप अपनी खाल उतार देता है, ठीक है, तो उस तरह से कि इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। ये चेहरा है कितना प्यारा सा, और यहाँ पे कितनी क्यूट सी स्माइल है, ठीक है, ये मुंह के मीठे जो लोग होते हैं, मीठी छुरी जिनको बोलते हैं, लेकिन अंदर से चेहरा ऐसा है, गंदा सा ऐसा वाइब है। तो आपके आसपास ना, आपकी फैमिली में, आपके लव्ड वंस में, आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ना आपके वर्क प्लेस पे हैं जो बहुत बहुत आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बहुत बहुत सालों से, महीनों से नहीं सालों से, जो आपकी गुड बुक्स में हैं, ठीक है, जो आस्तीन के सांप हैं, इनको मैं बोलूंगी आस्तीन के सांप, ये हर तरह से आपका फायदा उठाते आ रहे हैं बहुत सालों से, और आपने इनको अपना सगा संबंधी का दर्जा दिया हुआ है। सो दिस इज द हाई टाइम कि इनको पहचानना है, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन सगा है, कौन नहीं है, कौन दुश्मन है, कोई दोस्त है, इनको आपको गाइस समझना पड़ेगा, नहीं तो ये लाइफ में ना ऐसे सेटबैक आपको दे देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे भंवर में आपको फंसा देंगे कि मैं इसमें से निकलूं तो कैसे निकलूं। और यहाँ पे गाइस एक कार्ड आया है हार्मनी का, सो हार्मनी ढेर सारी आपको फील होगी अप्रैल के मंथ में, आपको दिल और दिमाग के बीच में जो टसल था वो शांत हो जाएगा, ठीक है, टग ऑफ वॉर जो थी, दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था, आप दोनों के संतुलन से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल की बात मानेंगे, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि दिमाग की बात मानेंगे, दोनों की मानेंगे, जहां दिल की माननी है वहां दिल की मानेंगे, जहां दिमाग की सुननी है वहां दिमाग की सुनेंगे। तो ढेर सारी हार्मनी भी आप लोगों के केस में अप्रैल का मंथ आप लोगों को एज अ ब्लेसिंग देके जा रहा है, और शेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पे। शेयर कौन करता है? जिसके पास होता है और जिसका दिल बड़ा होता है, यही इंसान शेयर कर सकता है, जिसका दिल बड़ा है और जिसके पास कुछ शेयर करने को है। तो अप्रैल के मंथ में आप कुछ ना कुछ तो शेयर लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि आप ऐसा कुछ तो करेंगे अप्रैल में कि लोग आपसे ना सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे, एडवाइस लेंगे, आपके लिए तालियां पीटेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही होगी। सो गाइस कुछ तो है जो आप शेयर करेंगे, आप अपना कोई नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी कोई स्किल भी शेयर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा ही शेयर करना है किसी के साथ, तो जो भी आपके पास है वो चीज़ें आप शेयर करेंगे और उसके थ्रू ही आप बनेंगे शेयर, तो शेयर करके शेयर बनेंगे। तो यहाँ पे है, अब कार्ड्स लेंगे हम, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट काफ़ी है, तो यहाँ से हमें काफ़ी फेथ मिलेगी, सॉरी काफ़ी हेल्प मिलेगी, फेथ बोल दिया मैंने, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, कुछ ड्रीम्स होते हैं हमारे जो हम किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, और कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हमें हर कीमत पे चाहिए कि फुलफिल हो जाएं। अगर ये ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ तो लाइफ ना ऐसे ही निकल जाएगी जैसे मुट्ठी में से रेत निकल जाती है, खाली मुट्ठी रह जाएगी, मुझे मजा नहीं आएगा। हर किसी के ऐसे ड्रीम्स होते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका वो कौन सा ड्रीम है जिसके बिना आपको लगता है कि अगर ये ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। और मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा कौन सा ड्रीम है, अगर वो मेरा कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे लगेगा कि मैं इस धरती पे आई और चली गई और मेरी लाइफ का कोई अच्छा यूज़ नहीं हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगी, आप मुझे बताइएगा। तो जो भी आपके सपने हैं,
आपने उनमें ना फेथ रखना है, वो पूरे होंगे, और कंटिन्यूअसली विजुलाइज करना है कि जब वो सपना पूरा होगा तो आपको कैसा लगेगा. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो ये जो आपने किया हुआ है ना यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं कुछ लोग, अंदर ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, बिल्कुल जीवन से अपने आप को काट लिया है. सो दिस इज नॉट द वे टू लिव अ लाइफ. लाइफ जो है एक बैलेंस है, कंस्टेंट बैलेंस है, उसमें हमेशा एक बैलेंस ढूंढना है. तो अपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आपको एक बैलेंस स्टैब्लिश करना है. अ टाइम फॉर हीलिंग है गाइज, क्योंकि आप बहुत बहुत नेगेटिव रहे हैं पास्ट में. मैंने बहुत अच्छे से उनको, आपका आपका टोन मैंने जो है पिक किया था, तो कितना नेगेटिव आया था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था रीडिंग को करने का. तो आप समझ सकते हैं कि आपके इमोशंस का क्या हाल है. तो बैंड बजी हुई है आपके इमोशनल लेवल पे, तो आपको उसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है. और मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. तो मैंने बोला है ना कि अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा होगा कि आप कहेंगे एकदम से ऐसे कैसे हो गया. एक्सपेक्ट, आप उम्मीद कीजिए, आप बिल्कुल एक कहते हैं पल्ले गांठ मार के रखिए कि ये तो होगा ही होगा, बिल्कुल एकदम से शिफ्ट आएगा लाइफ में, कुछ ऐसा होगा, और उसके लिए आपने तैयार भी रहना है. अबंडेंस है गाइस, ये कार्ड खुद से उछल के गिरा था. अबंडेंस, तो अबंडेंस है हर तरह से, जो भी चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं, खुशी देती हैं, अबंडेंस उस चीज़ को बोलते हैं कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं. तो जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, अगर वो पैसा है तो पैसा मिलेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है तो वो मिलेगा, अगर किसी से पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं तो वो होगी, अगर एक बच्चा चाहते हैं तो बच्चा होगा, अगर आप चाहते हैं कि लव मैरिज हो मेरी तो लव मैरिज होगी, अगर आप चाहते हैं कि अभी टाइम आ गया कि मुझे शादी करनी है तो शादी होगी, अगर आपको है कि मुझे ड्रीम जॉब चाहिए तो वो मिलेगी, अगर आपको है कि मुझे तो चाहिए कि मेरे पापा मेरी तारीफ कर दें लाइफ में एक बार. बहुत बार ये छोटे छोटे सपने होते हैं हमारे जो फुलफिल नहीं होते. अगर आपके मन में इतनी छोटी सी भी चीज़ है कि मेरी मम्मी एक बार ना मुझे मतलब तारीफ कर दे मेरी, तो वो होगा. आप लोगों के लिए तारीफ है इस बार, तो है गाइज, मांग लीजिए जो मांगना है, ठीक है. और इन द नियर फ्यूचर सब चीज़ें जितनी भी हैं, क्योंकि कितनी चीज़ें बताइए ना रीडिंग में, वो एकदम से तो नहीं हो जाएंगी, 5-10 दिन में हो जाएंगी. चीज़ें चलती हैं, उनका मोमेंटम बनता है, गेन होता है मोमेंटम, और बाद में चीज़ें बदल जाती हैं. लेकिन बहुत ही जल्दी जितनी चीज़ें बताई हैं वो सब होंगी आप लोगों की लाइफ में. ये कार्ड भी उछल के गिरा था अपने आप, इसलिए इसको मैंने लिया था. द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चाहे आपकी सिचुएशन इस रीडिंग को देखते हुए या इससे 1-2 महीना पहले जितनी मर्जी खराब है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. और रिकवरी, और गाइज आपका ना रिकवरी वाला एस्पेक्ट आई थिंक हार्मनी वाले कार्ड से भी आया है, और यहाँ से भी आया है कि टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे भी रिकवरी आया है, और उधर वाले कार्ड्स में भी इस तरह के एस्पेक्ट आए हैं. तो आपको दिस इज द हाई टाइम कि अपने आप को ना इमोशनली वेल बैलेंस्ड करना है. आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन है तो चर्च जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, किसी मेंटोर को फॉलो कर सकते हैं, किसी की वीडियोज सुन और देख सकते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर सकते हैं. बट कुछ ना कुछ अपनी रिकवरी के लिए आपको करना है. दिस इज द हाई टाइम. सो वर्गो सोल्ट्रा, दिस वॉज योर रीडिंग. रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ, और आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस मैं किन टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि अभी हम ये रीडिंग कंप्लीट कर देंगे, 4 या 5 रीडिंग्स बचती हैं मेरी, तो फिर हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, 10-15 दिन का बीच में गैप है जिसमें हम इस तरह की वीडियोज़ बना सकते हैं. तो आप सजेशन दे सकते हैं, आपके सजेशंस पे मैं हमेशा वीडियोज़ बनाती हूँ, या फिर मैं एक पोल रख लूँगी, उसमें मैं 4-5 चीज़ें आपको बता दूंगी कि इसमें से आपको किस पे वीडियो चाहिए है. और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं लाइफ में किसी रिगार्डिंग, सो मैं न्यूमरोलॉजी की, टैरो की रीडिंग करती हूँ, और नेम करेक्शन, नेम सिंक्रोनाइजेशन, मोबाइल करेक्शन और ढेर सारी और मॉडलिटीज़ में डील करती हूँ. तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, तो वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग ले सकते हैं. सो वर्गो सोल्ट्रा, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.